क्लास साहब हंस रहे थे कि जी मैं भी स्क्रिप्ट राइटर बीच में हूँ, वो पर तो आप हैं। क्लियरली क्लियरली पहले भी जो है हमने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इन्होंने फेयर गेम नहीं खेल रही। ये उनका ओपनली कहना है कि क्योंकि ये जो सिंध हाउस में लोटे इकट्ठे किए गए हैं और पंजाब के अंदर उससे भी ज़्यादा इकट्ठे किए गए हैं, तो ये फाउल हुआ है, तो फिर हमारे से उम्मीद ना रखेंगे, हम जेंटलमैन क्रिकेट खेलेंगे। तो उन्होंने भी फाउल गेम के अपने प्लान बनाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर के सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि जनाब ये स्पीकर की आप रूलिंग ठीक थी। स्पीकर की दोबारा प्रोसेस पूरा करें अच्छा। और अपोजिशन के फेवर में आ जाता है, तो पहले कल भी मैंने जिक्र किया था कि ये एक दिन में नहीं होगा, कि अभी जाके फॉर्म होगा, सारी चीज़ों को डी नोटिफाई अंडू जो करना हो चुका हुआ पड़ेगा। है उनको अंडू होना पड़ेगा, फिर एक दोबारा शायद शेड्यूल आएगा। मगर उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ अल्टीमेटली उन्होंने काकड़ मोमेंट क्रिएट करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी वैसे एम्पायर जो है ना न्यूट्रल नहीं रह गए। उसकी एक मिसाल तो ये आई ना कि आज दो तीन साफी ये कह रहे थे कि जी हमने सवालनामे भेजे थे, तो हमें उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एजेंसियों ने कहा है, ओपनली उनका नाम लेके बताया जा रहा था कि हमें ये रिटर्न लेटर आए हैं कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है कि ये कोई साजिश हुई है, अमेरिकन साजिश का कोई शवाहिद नहीं है। हालांकि कम्युनिटी कैंप के अंदर ये एडमिट जरूर किया गया था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के बिल्कुल एक क्लियरली अनएक्सेप्टेबल और क्लियरली मुदाखलत है पाकिस्तान के अफेयर्स में, ये कम्युनिकेट में कहा कम्युनिके में कहा गया था। पर आज ये उनकी हल्की हल्की जो है ना असरा, तो वो उस तरफ ले जाने का उनका तरीकाकार यही है कि लेट से कि अब दोबारा गिनती शुरू हो रही है, या गिनती होने से पहले इस दफा आर्टिकल 5 पकड़ा है, कोई और आर्टिकल पकड़ लेंगे, या किसी और नेशनल असेंबली के रूल की सहारा लेते हुए दोबारा जो है एक एक रूल का तो उन्होंने खुद बता दिया था स्पीकर साहब ने, असद कैसर ने, उन्होंने कहा जी फॉर एग्जांपल ये हार भी जाते हैं इमरान खान साहब तो ये फिर हाउस प्ररोग नहीं हो सकता, मगर रूल 20 है शायद, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कितने दिन बाद नए वजीर आजम का इलेक्शन होगा, तो वो लंबा लटकाते हैं। इस दौरान में आप देखें ना क्राइसिस बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, पता नहीं क्या होगा, ऑलरेडी मारकुटाई हो चुकी हुई है, ये जो 3 को पहले जो सेशन था उस दिन अंदर ठीक ठाक मारकुटाई हुई है, अब ये आगे ले जाके 16 तक जा सोलह पे चुका चला है, गया। या उनके नंबर पूरे परवेज इलाही के होंगे और वो इस काम के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, या वहाँ भी इस तरह का जो है गंद कह लें कैओस कह लें जो भी कहें, तो यही पड़ा रहेगा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये मैं ये मेरा ये मानना है कि उनका ये बिल्कुल उस तरफ ले जाना है, और अल्टीमेटली कोई पता नहीं, हल्का सा आसिफ जरदारी इस तरफ की से ये इंडिकेशन आनी शुरू हो गई हैं कि हमारा भी मकसद इलेक्शन कराना था, तो इस दौरान में आपस में भी पीडीएम के अंदर ये वाले हो सकते हैं इख्तलाफात कि जनाब फिर इलेक्शन की तरफ बात कर ली जाए, तो रूल्स ऑफ द गेम बस सेट करने पे बहस है कि जनाब ये जो कुछ दो चार उसके लिए मराहल हैं कि इलेक्शन के लॉज क्या होने, डिलिमिटेशन के मसाइल बला बला, नैब ये जो है नैब, तो वो नैब का कोई नून लीग वाले कर नहीं सकते हैं, इतना आसान नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी का चेयरमैन जरूर लगा सकती है, नहीं गवर्नमेंट को ही आए, मगर वो नैब के लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, वो इतना आसान ये नहीं है। निगरान हुकूमत तो नहीं लगा सकती निगरान ना, हुकूमत क्या, दूसरी हुकूमत भी जो है वो अपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल उसके साथ। अदारा है, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, वो फ्यूचर में हो सकेगा। हाँ ये है कि आप अपनी मर्जी का चेयरमैन ले आते हैं, अपनी मर्जी की प्रोसिक्यूशन ले आते हैं, कागजात जल जाते हैं और गवाह बैठ जाते हैं, उस तरीके से काफ़ी कुछ होता है जो माजी में होता रहा है। हम खुद वो जो क्या थे चौधरी साहब, जो कमर जमान चौधरी साहब के ज़माने में यही हुआ, सबको उसी तरह से उसी तरीके से रिलीफ मिलता रहा है। सो द गेम इज़ ऑन, अभी अभी कोई इतनी एक तरफ ये नहीं है, रोज़ ये पेंडुलम है, यूं एक दिन जाता है तो एक दिन यूं जा रहा है।